चैनपुर थाना क्षेत्र के लंगड़ा मोड़ में घर में घुसकर मामा भगिना को गोली मार कर हत्या के प्रयास मामले में एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह घटना शुक्रवार की देर रात लगभग 9 बजे अंजाम दी गई थी और अपराधी मौके से फरार हो गए थे। चैनपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोली मारने वाले एक अपराधी बरवेनगर निवासी अजगुल मियां उर्फ आजू पिता सुल्तान मियां को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। चैनपुर सर्किल इंस्पेक्टर पैजू राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि जख्मी गार खान का आरोपी अजमल मियां के साथ पहले से ईटा बनाने एवं दोनों का खस्सी बकरी खरीद बिक्री के लेन देन को लेकर अंदरूनी विवाद था। पूर्व में अजमल मियां के पिता को मवेशी काटने के आरोप में चैनपुर थाना में कांड दर्ज किया गया था, जिस संबंध में अभियुक्त अजमल मियां को संदेह था कि इसके पिता को इमरान खान के द्वारा ही पुलिस को सूचना देकर पकड़वाया गया था। इन्हीं सब कारणों को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। इमरान के द्वारा भी लोगों के पास यदा कदा कहा जाता था कि अजमल को हमको मारना है, जिसकी सूचना अजमल को किसी माध्यम से लग गई, जिस कारण अजमल भी आक्रोश में था, जिसके बाद शुक्रवार को अजमल मियां के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। गोली चलाने वाले आरोपी स्कूल की पहचान जख्मी अबरार खान के द्वारा कर लिया गया और अपने बयान में भी अजमल मियां और आजो के द्वारा गोली मारकर जख्मी करने की बात स्वीकार की है। छापेमारी दल में सर्किल इंस्पेक्टर बैजू राव, चैनपुर थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह एसआई, राजेश कुमार एवं सैट पारा एवं रिजर्व गार्ड मौजूद थे। अचानक से कोई आया, ये लोग मोबाइल देख रहा था, अचानक से कोई आया, हम लोग देखने भी नहीं सके, मार के भाग गया। हम लोग सब में लग गए, गोली का आवाज आया तो हम लोग रोना धोना लगा दिए, कौन था कहाँ था देखने नहीं सके। कितना आदमी था कुछ पता चला नहीं हमको, हम लोग को कुछ पता नहीं चला। आप इनकी क्या लगती है, किसका मार है? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।